एवरीवन, गुड आफ्टरनून, राम राम सभी को। तो गाइस कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। गाइस मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ, और अभी मैं हो गई हूँ फटाफट से नहा के, फ्रेश ब्रेकफास्ट वगैरह करके सब काम करके हो गई हूँ मैं फ्री। और गाइस आज उठी हूँ बहुत ज़्यादा लेट 11:30 बजे, क्योंकि ऐसी थकी थी, मेरे को नींद नहीं पूरी नहीं हो रही थी, तो फिर आज मैं आराम से सोई। मम्मी ने भी नहीं उठाया आज, मम्मी सोचा सोने देती हूँ इसको, नहीं तो ये गुस्सा करेगी। तो फिर अभी मैं उठ गई हूँ, फटाफट से हो गई हूँ फ्रेश, और ब्रेकफास्ट भी मैंने कर लिया है। अब जाऊँगी गाइस मैं दुकान, और मम्मी को भेजूँगी घर। मम्मी चले गए हैं ना सुबह से, पापा आए थे खाना खाने, और फिर और भी काम है घर में। तो फिर मम्मी बोलते हैं कि तू आ जाना दुकान, मैं जाऊँगी घर वापस। मैं कह ठीक है, तो फिर मैं भी जाऊँगी दुकान। और गाइस फिर उधर आने के बाद जाऊँगी मैं ताई के पास। अरुवंशु आए हुए हैं ना, मैंने बताया था आपको पिछले ब्लॉग में, फिर मैं रात को गई नहीं क्योंकि मेरा मूड थोड़ा सा ठीक नहीं था। फिर मैंने सोचा कि अब रहने देती हूँ, अब सुबह ही जाऊँगी। तो ताई की कॉल भी आ गई थी सुबह की, आ जाना जल्दी से, तो आई नहीं ऐसा वैसा, तो मैं उनके पास भी जाऊँगी। और फिर गाइस आज मम्मी सुबह बता रहे थे मुझे कि ताई ने अपना हाल जला लिया है, पता नहीं कैसे क्या करते हैं, बहुत इंटेलिजेंट है ना सभी यहाँ पे हमारे, पता नहीं, वो पूछूंगी जाके कैसे क्या किया उन्होंने क्या नहीं। तो मैं अभी चलती हूँ फटाफट से पहले दुकान, और फिर आके जाऊँगी मैं ताई के पास। और आप सभी ऐसे ब्लॉग में बने रहना आज मेरे। अभी आ गई मैं दुकान में, और मेरी माता जी जाएंगे घर। और सुबह सुबह मैंने मम्मी से चमकी करवा ली अपने बालों में, क्योंकि बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे मेरे बाल, ऐसा लग रहा था कि मेरे बाल सारे उड़ जाएंगे, तो नहीं क्या ही हो गया। तो मेरी माता जी जाएंगे घर, और मैं रहूँगी इधर। मेरे यहाँ हुआ पत्रोड़े भी डालेंगे मेरे हाथ के, पापा को पसंद है जो तो मैं बनाऊंगी वो भी आज शाम के टाइम में, है ना। तो अभी जाओ आप, फिर पापा भेज देना जल्दी। तो पापा खा बैठे थे अभी, नहीं क्या लगे अभी ऐसे घूम रहे थे। जाओ आप मोम, कपड़े तो आई था। इस आ गई मैं अभी भाभी के पास, भाभी की दुकान में। और ये चूहा, चूहे बुई चुई, हेलो गाइज कर दे इधर, हेलो गाइज, मोए मोए कर देता, मूड ऑफ है इसका भी कुछ ऐसा लग रहा है। ओ हमारी दुकान गाइज, और इधर भाभी की आ गई हूँ मैं इधर। अरे रुई डॉन बैठ के मार रहा है अभी गप्पे शप्पे इधर भाभी के साथ, और उधर मीटिंग चली हुई है। और गोलू डॉन तेंगे तेंगे मुन्नू करता है अच्छी सी। मैं आई थी गई भाभी के पास अपनी पैंट टाइट करवाने, क्योंकि मुझे लूज होगी थी, तो मैं तो ज़्यादा उधर करवा लेती हूँ। तेंगे तेंगे सो जा, आइज बंद कर, जल्दी जल्दी आइज बंद कर, गंदा बच्चा। तो आगे अभी मैं ताई के घर में, आरू वो पता नहीं कहाँ है, कुत्ते तो आई है, कुत्ता गई, गई छुप गई है वो कहीं जाके। आरू कहाँ चली गई वो, तरन तो चली गई हूँ। हाय गई, ओ गई स्टाव भी आ गए हैं, इतने बारे में कहाँ आ जाना, कद की कर ली कितने पो एक बजे तक पहुँच, बस बस तू हद आते दसों को तो फुक क्या। मेरी साहू भी आ गई, ताई बोल रहे लेट आई, साहू जी नमस्ते, हाय गाइस, ठीक है कर रन दे नहीं है, तू मत रे अर्ध करें, तू हैं रे कर करे, तू रे जा रे मेरे प्रा है, कुत्ता गई है मुनिया तिने टोला, मुझे मिल रन दो चली गई घर आई, मुन्नी चली नहीं गई पटवाड़े ती जन मिली भी बड़ा बड़े, मैं गलाना ही नहीं है तिने ने इज्जत बाद लाई थी सुसमे दुआ इनो चीन काम बन गई मेरी चुईया, मेरी चुईया ही है, मेरी चुईया बड़े दिनों बाद आया, थोड़ा फोन नहीं चेक कर ली, तो मैं परे ही छड़ देनी ही, हां ये बैठी था, अरे दुकान नहीं हूं, फिर मैं फोन सारे इन पे करता था, इस खेलती हूं मैं इनके साथ, वो इतने भी गाइस। तो मैंने लगाती अरु को मेहंदी, हेलो गाइस, हेलो मेहंदी लगाई है, मेहंदी लगाई है आपने, वाओ, तो मैंने लगाई है आपको, हां गाइस मैं ना
जितना टाइम घर में आती हूँ ना, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि मैंने किसी को मेहंदी नहीं लगाई हो। बस आ गई हूँ तो अब मेरे को बस मेहंदी मेहंदी, सभी को मेहंदी लगेगी। इधर ताई बोल रहे हैं मुझे भी लगानी है, ताई को भी लगाऊंगी और खुद के हाथों में सोचती हूँ मैं लगाने की, तो ऐसी लगती है मेरे हाथों में मेहंदी। फिर कहाँ ही लगाऊंगी मैं अपने लिए मेहंदी, मेरा मन भी करता है मेहंदी लगाने को, मेरे को कोई नहीं लगाता। मैं लगाऊंगी। हाँ टिड्डे मकोड़े पहाने था। आपको भी लगवानी है आ जाए तो। इस मैंने छुतकू को भी लगा दी मेहंदी, अच्छी लगी। इस बहुत ज़्यादा पतली हो गई है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, इसकी मम्मा मारते हैं ना, मारते हैं ना मम्मा। आज पूछूंगी मैं तेरी मम्मा को। आज गई दीदी भी आने वाले हैं, थोड़ी सी देर में आ जाएंगे वो भी, क्योंकि कल है रक्षाबंधन तो दीदी आएगी। इधर आएगी ना मम्मा, तब पूछूंगी मैं मम्मा को ना कि क्यों मारते हो बंशु को। थप्पड़ नहीं मार दिया? अरे गंदे है मम्मा ना। हाँ शेम शेम लगा दी दोनों को। अब देखो दोनों कार्टून जाओ। दीदी भी पधार रहे हैं इधर। दीदी चली हुई थी लाइव, मैं दीदी की लाइव देख रही थी कहाँ पहुँची कहाँ नहीं, तब बोल रहे थे कि मैं पहुँच गई, गाड़ी पार्क करने गए उधर। और ताऊ भी आ गए घास लेके, देखते हैं कहाँ पहुँची वो कहाँ नहीं। ताऊ जा रहे हैं गोबर फेंकने। पहले दीदी का वेट कर रहे हैं कि दीदी आ जाते तो बात करके जाते हैं। नहीं आई जड़ा हुआ जी, पहुंच गई मैं लाइव देखा दी ही। फाइनली पहुंच ही गई है दीदी, पर बातें करते हुए आ रही है सभी के साथ। इधर आने में आधा घंटा लगा देंगे, उधर खड़े हो गए बात करने। ऐसा देख रही कि बहन खड़ी हुई है इधर, तो भाई आ जाती हूँ मैं। अभी भी नहीं दिखी मुझे यहाँ से, उधर देख रही है अभी कुछ। लाइव कंटिन्यू रखा। हाँ गाइज मैं ना उधर करूँगी लाइव बंद, जहाँ गाड़ी पार्क करूँगी। तो किसी का रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ तो सॉरी गाइज। बड़ी दीदी इन द हाउस, बड़ी दीदी इन द हाउस। देखो नंगे पैर खड़ी है बेचारी। जाने पहचाने रास्ता लग रहा है तो मुझे परे से। हाँ। देखती हूँ ताऊ चली गए, फटाफट गोवा सट्टी मैं ला सट्टी तो दीदी चली जाना सटने आंदी है। नहीं सुखी गिरी सुला दिया मैंने आपकी बेटियों को। चल खरा से। तब मैं फोन चला रही थी, नहीं अरु इधर ही है, अरु नहीं सोई है पर वो ड्रामे कर रही होगी कहीं। अरु छुपी गिरी दीदी, अरु जटोड़ा। इस तो मैं लेती हूँ अब चाय पानी, करती हूँ दीदी की सेवा। कदर को तो लुक गिरी। मम्मा भी आई, मम्मा मम्मा थैंक यू। ओ उठा दिया जीजू ने इसको बंशु को। ओ मेहंदी दिखा अपनी, मेहंदी लगाई इसको मेहंदी। दीदी की सेवा करनी पड़ेगी क्योंकि दीदी की शादी होगी तो अब मेहमान बन के आई है दीदी। तो भैया भी पहुंच के आके सरप्राइज दे दिया भैया ने भी, और इधर बैठ गई है सारी जनता का इस खाने। भैया लेके आए समोसे, ताई दे रहे हैं सभी को, बांट रहे हैं। अरे हमारा पिद्दू भी उठ गया। मंशु खाओ समोसे। हाँ इसको खाते हैं हम भी समोसे। गई तो मैं अभी आके लग पड़ी हूँ काम पे, गई पापा की फरमाइश है आज की पतरोड़े बनाने हैं, तो मैं लग पड़ी हूँ पतरोड़े का काम करने, बनाती हूँ मसाला वगैरह। तो मैंने कर दिया पैकेट अभी तैयार पतरोड़े बनाने के लिए, तो अभी मैं बना लेती हूँ सारे पतरोड़े फटाफट से। हाँ मेरे माता जी लग पड़े हैं खाना बनाने इधर,
और मैं बनाऊंगी पत्रोड़े। इससे डाल दिए मैंने पत्रोड़े भी एक प्लेट भर के, और अभी गई और पत्थर भी बच गए हैं। मम्मी बोल रहे हैं और भी बना देते हैं मसाला, फिर और भी डाल देते हैं अगर कुकर में आए तो। ये भी देखना पड़ेगा तो करते हम चेक, आएंगे या नहीं आएंगे। थोड़ा तो अभी मैंने बना दिए पत्रोड़े भी, और अभी मैं घूम रही हूँ आंगन में। क्या हुआ? और गैस पापा आए थे हैं, इस साइड गैस पापा आए थे अभी मंदिर में पूजा करने, इस साइड। ठीक है, चंडे लड़ियाँ ठीक है, ले आएंगे। डेकोरेशन कर ली। ओके, गैस इधर करूँगी मैं, अच्छी सी डेकोरेशन होगी इधर। आप आए थे मंदिर में पूजा करने, और गैस मैंने बनाए पत्रोड़े। अब मैं घूम रही हूँ आंगन में, घूम लेती हूँ थोड़ी देर, और अपने प्लांट्स को भी देख लेती हूँ जिनको देख के मुझे बहुत खुशी मिलती है। अभी हो गए पत्रोड़े भी बन के तैयार, अब उनको निकालते हैं प्लेट में, करते हैं फिर टेस्ट कैसे बने कैसे नहीं। और मम्मी बना रहे हैं इधर मक्की की रोटी, और मैं निकालती हूँ इनको। बहुत ही अम्मी बने हुए, गर्म है बहुत। सब भी कर दिए हमने पत्रोड़े कट, और अब लगाऊंगी मैं इनको तड़का, फिर बन जाएंगे ये यम्मी। और मेरी माता जी घुस गए अभी फ़ोन में, तो फोन में थे, चलता नहीं, नेट नहीं चलता यहाँ, परे वाले रूम में चलता है। डिनर में बनाए मेरी माता जी ने चने माँ की दाल, और साथ में राइस चावल। मम्मी ने बना दी चने माँ की दाल और साथ में चावल, और मक्की की रोटी। अच्छे बने हैं, टेस्टी हैं। तो अभी आ गई मैं ताई के पास। ताई पतीला चाट रही है। ताई ने बनाया गाइस पनीर की सब्जी और चने की दाल, तो मैं अभी लेके जाऊंगी घर, घर में खाऊंगी जाके। खाए ले, ले, खाए। नहीं ले चम्मच ना, आ रही है शोगी इधर चुई। मेरी दीदी के पास क्यों सोई है, क्यों सोई है मेरी दीदी के पास है सवेरे, पता नहीं है। अरबी और सब्जी बोल रहे हैं मम्मी, नहीं दाल चावल भी बनाए। रिव्यू बताओ कैसे बने हैं? मेरे पूरा भी नाने तो नहीं जी, मैं नाने काम भाभी बोल रही हूं, पहले मेरे पर ले कैसे बने हैं? मिर्ची कम है, मिर्ची कम है, चटपटे नहीं है, चटपटे नहीं है, और ऐसा लग रहा है जैसे धुएं की बात आ रही है। मेरे को लग रहा है काले हो गए। वो बोल रही है काले, वो काले हो गए, मतलब ताई को पसंद नहीं आए। काले होए नहीं, स्वाद ताई बनाएंगे सुबह गए। छुट्टी तो बना रहे हो? हाँ, गैस से। तो हो गए अभी हम डिनर करके फ्री, और गैस कल है रक्षाबंधन, कल बांधूंगी मैं अपने भाई को राखी, और जिन जिन भाइयों को मैंने ऑनलाइन भेजी थी उनको भी मिल गई है। तो सभी अपने हाथों में राखी बांध लेना और मुझे पिक्स भेज देना। तो ठीक है फिर गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक मैं शेयर एंड सब्सक्राइब टू पाल शर्मा ब्लॉग्स। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइज, गुड नाइट, टेक केयर।